बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल हैं? सब ठीक है, अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। जी तो दोस्तों, जैसा कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो होती है, इसमें आपको बोर्ड मीटिंग का जो सीज़न है उसके मुतालिक जो नई कंपनियां आगे इनकमिंग जिनकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताई जाती हैं दो या तीन अगले दिन के हिसाब से, तो वो आज भी आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि थंबनेल में बताया कि कल आपको बड़ा सरप्राइज़ दे सकती हैं, डिविडेंड और बोनस देने में नंबर वन ये तीन कंपनियां, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे, थोड़ा ये भी बताएंगे कि ये किस लिहाज से आपको फ़ायदेमंद हो सकती हैं और किस टाइम पे आप ये लें तो आपको इसका फ़ायदा पहुंच सकता है, और साथ इसकी डेट भी बताएंगे और एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी बताएंगे कितना दे सकते हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और तमाम दोस्तों भाइयों के साथ शेयर कर लें, और जो दोस्त हमारे पेड ग्रुप्स में आना चाहते हैं नंबर नोट कर लें 03234714528। आपने इस नंबर पे वॉइस मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, क्योंकि काइंडली कॉल अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको वॉइस मैसेज का फौरी आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों देखें, बोर्ड मीटिंग सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं धड़ाधड़ जितनी कंपनी है वो अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट भी अनाउंस कर रही है और जिनकी डेट आती जा रही है उनकी अनाउंसमेंट भी आ रही है। तो आप देख लें कि एक भूंचाल सा मार्केट में चल रहा है और बाइंग के लिए भी लोग लाइनों में लगे हैं और बेचने के लिए भी लगे हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है और करेक्शन होते होते दोबारा रुक जाती है, बाइंग प्रेशर ज्यादा आता है मार्केट फिर ऊपर। आज देखें मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रही 45,900 से 46,100 के बिटवीन, ठीक है, 200 इंडेक्स के दरमियान काफी ज्यादा, बल्कि लगा लें कि 45,800 से लेके और 46,100 तक मार्केट ने काफ़ी ऊपर नीचे बाइंग सेलिंग कराई, और जो डे ट्रेडिंग के हवाले से तो ये ज़बरदस्त किस्म की एनवायरनमेंट है, जो काम करते हैं इसमें उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अप डाउन करके इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग आपको आ रही है जो कि आपको अच्छा मौका दे सकती हैं कमाने का, यही इसका टाइम है। दो दिन बाद इनकी बोर्ड मीटिंग है, आज 24 है, 26 को ये तीनों की बोर्ड मीटिंग है। तो अगर इससे पहले आप इसकी तरफ नज़रसानी करेंगे, इसको देखेंगे, अपनी पोजीशन का सोचेंगे, तो ये आपको अनाउंसमेंट अगर इनकी अच्छी आती है तो ये आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1,000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों ये आपको तीनों बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है जी HBL बैंक, हबीब बैंक। देखें सबसे पहले था जो UBL की हमने आपको बाय कॉल दी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गेन हमने उठाया, अभी इसका डिविडेंड एक्स होना बाकी है। उसके बाद हमने आपको अगली वीडियो में मिजान बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक का बताया, उसमें देखें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेन मिल रहा है, ठीक है। अब ये आज जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो है जी HBL की हाफ ईयर, इसकी बोर्ड मीटिंग है 26 जुलाई 2023, इसकी अनाउंसमेंट की डेट है। दूसरे नंबर पर है जी ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र। अब इसका भी देखें कि ये थोड़ा डिप्रेस्ड है सेक्टर, क्योंकि इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, जिनका के एक हादसे में जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, वो उधर उनका हादसे में जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जिसकी वजह से ये ग्रुप पूरा थोड़ा डिप्रेस होता होता नीचे आया हुआ है। लेकिन ये अगर डिविडेंड या बोनस दे देता है तो ये दोबारा ऊपर काफ़ी अच्छा जा सकेगा और एक्सपेक्टेड है कि डिविडेंड दे। उसके बाद है जी एटलस होंडा, फर्स्ट क्वार्टर की इसकी बोर्ड मीटिंग है 26 जुलाई, अच्छा डिविडेंड भी देता है और ये भी आपको कोई 4 से 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे सकता है। ईफर्ड जो है ये भी तकरीबन 3 से 4 रुपये डिविडेंड दे सकता है और HBL भी तकरीबन 4 से 5 रुपये डिविडेंड दे सकता है। आगे जब अनाउंसमेंट आएगी तब पता चलेगा, तो आप इन पे तवज्जो फरमाएं और इनमें देखें पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखें दोस्तों, हमारा मकसद होता है आपकी तवज्जो दिलाना इन स्टॉक्स के ऊपर,
जो शॉर्ट लिस्ट करके आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। आगे आप अपनी भी वर्किंग करें और फिर इसको बाइंग करें, ठीक है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।